सर ऐसा माफी मांगने वाला कोई बात नहीं था, चूंकि गलती हमारे तरफ से कुछ थी ही नहीं। आप घुटनों के बल बैठ करके माफी मांग रहे हैं, क्या है वो पूरा पक्ष? सर ऐसा माफी मांगने वाला कोई बात नहीं था, चूंकि गलती हमारे तरफ से कुछ थी ही नहीं। अब वहाँ इस लॉबी में अगर 50-60 लोग आ जाएंगे और धक्का मुक्की करेंगे, बदतमीजी करेंगे, उस समय धक्का कोई दे दिया होगा, डिसबैलेंस होगा, मैं गिर गया हूँ, उठते उठते भारी शरीर है तो थोड़ा सा उठने में समय लगता है, बस यही हुआ होगा। तो क्या उन लोगों ने आपसे बदतमीजी भी की थी? हाँ बदतमीजी तो हुई है सर, चूँकि एक तो अब हमारी बात ना सुनना, हम जो बोल रहे हैं उसको अनसुना करना, और अपने लोग मिलके चढ़ना होटल के ऊपर, ये सब तो बदतमीजी है सर। बोला जा रहा था कि मंत्री जी से पैर छू के माफ़ी मांगी, हमने बोला सर गलती हमारे तरफ से कुछ थी नहीं तो हम क्यों माफ़ी मांगे, हमने उनका कमरा तो खाली नहीं किया। अब उनका जो दूसरे सहपाठी वाले लोग थे वो जो उस कमरे में थे, उनसे बुकर की बात करवाई, उन्होंने ओके किया, तब लगेज आउट हुआ, लगेज निकाल के हम अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट में रखे, और क्या कर सकते इससे ज़्यादा। बिना मंत्री जी के जानकारी का होटल का रूम उनका खोला गया? हाँ, होटल का मालिक खुद था और उसका जीएम था, रूम खोला है, उसका सारा वीडियो फुटेज सीसीटीवी है, सब कुछ है पुलिस के पास। 7 तारीख को देर रात में जब होटल पहुंचे तो खबर मिली कि होटल के जो मालिक थे वो मंत्री जी के कमरे में गए थे मास्टर की से। तो इस पे जब पूछताछ की गई कमरे में क्यों गए थे, पहले तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम कमरे में नहीं गए थे, बोल देते कमरे में गए थे, इनकार कर दिया। और उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज और कुछ वीडियोस जो हम वहां पे हुआ था रिकॉर्ड जो मिला, जो पुलिस को भी दिखाया गया था, उसमें साफ देखा कि लोग कमरे में घुसे हैं, सामान को उठा उठा के देख रहे हैं, और सुरक्षा कर्मियों का जो सामान है बगल वाला कमरा का, उस सामान को जो ये लोग बाहर निकाले हैं।